ग्रामीणों ने कहा कि उनके खेत में खड़ी फसल को अन्य जानवर बर्बाद कर रहे हैं। बताया कि किसान रात भर खेतों में रखवाली करते हैं। किसानों ने बताया कि गांव में करीब एक सैकड़ा अन्य जानवर घूम रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है गांव में गौशाला का निर्माण नहीं कराया है, अन्य पशु रोड में घूम रहे हैं। रवि की फसल का समय है जिससे फसल को काफी नुकसान होता है। हमीरपुर से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, SKH न्यूज। जानवरों के उसमें आए हैं ना जानवर जो हैं हमारे खेत को, जो रबी की फसल खड़ी है, रबी की फसल को भी नुकसान कर रहे हैं। और प्रधान की लापरवाही से गौशाला की, प्रधान और सचिव की लापरवाही से गौशाला में कोई भी अभी तक तार फैंसी तो सब टूटी टाटी पड़ी है। सब काम अस्त व्यस्त, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है जानवरों की। हमारा भारी नुकसान हो रहा है। राजेश सिंह, आपके कार्यालय में आए हुए हैं अन्ना जानवरों की हम जो है समस्या से पीड़ित होकर के, और अपनी बात जो है DM साहब को हम सुनाने आए हुए हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि जो गांव में जो अन्ना जानवर घूम रहे हैं और जिसके कारण हमारी फसलों का नुकसान हो रहा है, उन जानवरों पर नियंत्रण होना चाहिए। और जो ग्राम प्रधान एक लापरवाही कर रहा है ये व्यवस्था करने में, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम इस मांग को लेकर के आज DM साहब के जो है इस दरबार में आए हुए हैं। किस गांव से आए? हम ग्राम बजेमऊ थाना सीतोर तहसील मौदहा से आए हुए हैं और हम 4 महीने से इस समस्या से परेशान हैं। जो हमारी खरीफ की फसल का भारी नुकसान हुआ है और अब रबी की भी फसल का नुकसान होने जा रहा है।